हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डी बी आर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, ओ आर ओ पी का काला सच। ओ आर ओ पी में देरी पूर्व सैनिकों की पीड़ा को और बढ़ा देती है। ओ आर पी जिन्हें नहीं मिला वे क्या करें, जिनको ओ आर ओ पी नहीं मिला है वे क्या करें फ्रेंड्स। यहाँ पर लाखों लोग हैं जो कि ओ आर ओ पी की चाह में ख़त्म हो गए, जो मृत्यु को प्यारे हो गए, लेकिन ओ आर ओ पी उन्हें नहीं मिला। क्या अब उनको ओ आर ओ पी मिलेगा? क्या वही ओ आर ओ पी मिलेगा जो उनको जीवित रहने पर मिलता फ्रेंड्स? ये सोचने का विषय है। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करना जिससे कि ये आवाज़ बहुत दूर तक जाए। शायद जिन जिन के कानों में जाए तो शायद वे कान सुने और खुलें फ्रेंड्स। यहाँ पर एक मैंने बहुत बड़ा नोट्स तैयार किया है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान से सुनें, और अगर ये गलत है तो आप लोग कमेंट करें, और ये सही है तो भी आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आरोपी में देरी पूर्व सैनिकों की पीड़ा को बढ़ा देती है। मैं इस नोट्स को बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपकी थोड़ा समझने में। मोदी सरकार जो हमेशा अपने राष्ट्रवाद के खेल में सशस्त्र बलों को मौरे के रूप में इस्तेमाल करती है, वह चुनावी लाभ पाने के लिए खेलती है। जमीन पर सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण की परवाह ज़्यादा नहीं करती। अगर ऐसा नहीं होता तो पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का बकाया देने से पीछे नहीं हटती, जैसा कि वादा किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं होता तो सरकार फंड की कमी का कारण बताते हुए भुगतान को टालना जारी रखती। इससे पहले हफ्ते एससी ने सरकार को विभिन्न श्रेणियों और किस्तों में लंबे समय से प्रतीक्षित आरोपी को बकाया का भुगतान करने का आदेश दे दिया था। विधवाओं, वीरता पुरस्कारों जो विजेता हैं, 31 मार्च तक 70 वर्ष से अधिक वाले आयु के लोगों को यहाँ पर 30 जून तक, और बाकी को दिसंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 तक का उनका बकाया मिल जाएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को स्वीकार किया है कि लगभग 21 लाख पूर्व सैनिकों को आरोपी बकाया के लिए 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान एक बार में रक्षा तैयारियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे 28 फरवरी 2024 तक अंतिम किस्त के साथ कंपित भुगतान की अनुमति मिल सकती है फ्रेंड्स। यहाँ पर अभी पिक्चर बाकी है। इसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स, ये हमारी जो अगली स्लाइड है वो क्या कहती है कि 30 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर आरोपी को लागू किया, और लागू करने के वाले जो वादे थे उनको एक वर्ष से अधिक समय के बाद विवादास्पद रूप में घोषणा की कि ओ आर ओ पी शब्द को अभी भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। ओ आर ओ पी शब्द अभी भी परिभाषित नहीं है। उस दिन से लेकर अब तक ओ आर ओ पी का बकाया मिलने में करीब 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिकों का इंतजार जारी है। ऐसा लगता है कि वित्तीय लाभ, स्थिति और सम्मान के मामले में अन्य केंद्रीय सेवाओं का, यहाँ तक कि अर्थसैन्य बल और नागरिकों से भी अलग थलग पड़े रहे। इस देश के राजनेता अपने चुनावी लाभ के लिए सशस्त्र बलों के नाम का उपयोग करना पसंद करते हैं। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, पाकिस्तान विरोधी, चीन विरोधी तीखी आवाज तेज हो जाती है, तो सशस्त्र बलों के लिए कई वादे भी तेज हो जाते हैं। पिछले कई वर्षों से चुनावी वादों में ओआरओपी का एक निरंतर विशेषता बना रही है, लेकिन किसी भी अन्य अधूरे वादे की तरह ओआरओपी भी अधूरा रह जाता है। पहले ही अग्निवीर योजना ने समुदाय में बहुत नाराजगी पैदा कर दी है। अब ओआरओपी बकाए का भुगतान न होने पर पूर्व सैनिकों की पीड़ा और बढ़ जाती है, जबकि वे वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है, उसकी आकांक्षाएं अधूरी रह जाती हैं और सरकार बहुत बड़ा बना रही है। लगभग 4 लाख पेंशन भोगियों की बकाया राशि की प्रतीक्षा में हमें यहाँ देखने को मिला है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। आरोपी की अवधारणा समान रैंक के लिए सेवा की, समान अवधि के लिए समान पेंशन की परिकल्पना करती है। भले ही सेना निवृत्ति की तिथि कुछ भी हो, यह भारतीय सशस्त्र बलों और दिग्गजों की एक लंबी मांग है। इसे सालाना अपडेट करते रहने की जरूरत है। सशस्त्र बलों में बढ़ती बेचैनी के जवाब में सरकार के एक 10 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय पैनल का गठन किया, जिसे इसके अध्यक्ष भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और अनुभवी, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कोश्यारी समिति के नाम से जाना जाता है। आरोपी मुद्दे की जांच करने के लिए संसद सदस्य सांसद समिति के सबूतों पर विचार करते हुए 8 महीनों तक मौखिक बयानों से सुनने के बाद दिसंबर 2011 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
समिति ने सर्वसम्मति से वार्ड में योग्यता पाई और उसके कार्यान्वयन की जोरदार सिफारिश की। इस सभी प्रयासों के बावजूद यूपीए सरकार और वार्ड लागू करने में धीमी थी। आम चुनाव 2014 में निर्धारित किया गया था। हरियाणा के रेवाड़ी में एक बहुत बड़ी चुनावी रैली के भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, जनरल वीके सिंह, पूर्व थल सेनाध्यक्ष, हजारों पूर्व सैनिकों की उपस्थिति में उनके पक्ष में खड़े थे। मित्र, यहाँ पर यह ध्यान दिया जाता है कि ओआरओपी की योजना की पुष्टि करने वाले शीर्ष अदालत के मार्च 2022 के फैसले में केंद्र सरकार को दिया गया तीसरा विस्तार था। 3 महीने का पहला विस्तार जून 2022 में, दूसरा दिसंबर में, सितंबर में, इतने ही समय के लिए दिया गया था। 15 मार्च 2023 आखिरी तारीख थी जिस तारीख सरकार को आरोपी के बकाया का भुगतान करना था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को केंद्र को पूरी बकाया भुगतान के लिए 15 मार्च का समय दिया था, लेकिन 20 जनवरी को रक्षा मंत्रालय से एक संदेश जारी किया गया। बकाया भुगतान का 4 साल की किस्तों में किया जाएगा, जिसे पूर्व सैनिकों के एक समूह ने चुनौती दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ जी ने यहाँ पर रक्षा मंत्रालय से अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए कहा और रक्षा सचिव की स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने को निर्देश दिए। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार जानती थी कि आरोपी का भुगतान अपरिहार्य है और इस राशि की व्यवस्था करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय था। सरकार एक बार फिर सेनानिवृत्त सिपाहियों के वैध भुगतान में और देरी में सफल रही, जिन्होंने हमेशा अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा और अखंडता की रक्षा की है। लेकिन उसके बलिदान और स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा उपेक्षित किया गया, क्योंकि यह पूर्व सैनिकों के वैध राशि को जारी करने में बार बार देरी कर रही है। इसी वजह से यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बन रहे बन पेंसिल लेके सैनिकों में रोष है। यहाँ पर ये धरना जारी है, 3 तारीख को देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 3 तारीख को मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास के साथ यहाँ पर ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के द्वारा जो अभियान जारी किया, इसका भी साथ दो और इसके साथ लड़ो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर लूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।